हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। तो सहयोग और समर्थन की आप सबसे उम्मीद थी, उस उम्मीद पर आप खड़े उतरे। आपके इस विधानसभा क्षेत्र से भी लगभग 29,000 वोटों के बल भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा से चुना। एक परीक्षा का दौर था हमारे लिए, उस दौर को आप सबके सहयोग से हमने मुकाम तक पहुंचाया, सफलतापूर्वक जो है उसमें आगे बढ़ी। धर्मशाला का उपचुनाव, उसमें भी आप सबके सहयोग और समर्थन से उसको भी हम जीते। पछात का चुनाव, उसको हम जीते। कुछ लोगों को जब हम इन बातों को याद कराने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे से बहुत परेशान भी होते हैं इन बातों को लेकर के, भाई ये बातें मत बोला करो क्योंकि ये दिल को बहुत धक्का पहुंचाती है। मैं उन सारी बातों में जाने की आवश्यकता नहीं महसूस करता। आज मैं देख रहा था समाचार पत्रों में कुछ लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जो है धमकी देना बंद करे। भाई हम धमकी कहां देते हैं? जितना प्यार से जयराम बोलता है उतना प्यार से आज से पहले शायद ही कोई बोलता है। हम हकीकत बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं। ये हुआ है भाई, स्वीकार किया करो। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, हमको तो ठीक है, हमारा तो मुकाबला हुआ। हमारी 9 सीटें जो है वो 9 सीटें जो हमारे 100-150 के वोट के बीच में रही है मुकाबले में। 17 सीटों पर जो है 1,000 का कम का मार्जिन रहा है, 40% वोट हमने लिया। लेकिन वो बोलने पर मुझे बड़ी विचित्र परिस्थिति लगती है जब हमसे वो लोग बोलते हैं जिनको 0 मिला है और दूसरी बार मिला है, एक बार नहीं दूसरी बार मिल गया। तो इसलिए मैं ज्यादा उस बारे में कहना नहीं चाहता हूं। जब हम ऐसी बातें कहते तो कहने की बातें करते कि धमकी देते। मैं धमकी नहीं बोल रहा, जो हकीकत है, सच्चाई है, जो हमारे सामने है उसको हमको कहना है और स्वीकार भी करना चाहिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।